हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल जनी फ्रीकर्स में। आज हम आपको लेके चलेंगे गेटवे ऑफ पंजाब, जो कि है माधोपुर। माधोपुर को तीन स्टेट्स का ट्राई जंक्शन भी कहा जा सकता है। जेएनके की तरफ से माधोपुर पहला स्टेशन है और आप इसी जगह से तीन स्टेट्स को एक्सेस कर सकते हैं। वो तीन स्टेट्स हैं जम्मू व कश्मीर, पंजाब और हिमाचल प्रदेश। और इसके अलावा हम आपको लेके चलेंगे माधोपुर के फेमस रेस्टोरेंट में, कोरल में। पठानकोट से माधोपुर का जो डिस्टेंस है वो 16 किलोमीटर का है। अगर जेएनके की बात करें तो माधोपुर जेएनके स्टेट से बिल्कुल सटा हुआ है, लेकिन जम्मू से जो इसका डिस्टेंस है लगभग 100 किलोमीटर का होगा। अभी हम बिल्कुल माधोपुर स्टेशन पे हैं और बिल्कुल यहाँ के राइट साइड पे आपको कोरल रेस्टोरेंट देखने को मिलेगा। इसी जगह पे दोस्तों कोरल रेस्टोरेंट है, हम आगे से टर्न करके आते हैं। यही दोस्तों वो ब्रिज है जो पंजाब और जेएनके को जोड़ता है। और सामने जो आप देख पा रहे हैं व्यू, ये सारा जेएनके का व्यू है। और सामने आप देख पा रहे हैं माधोपुर बैराज। इस रावी रिवर का जो पानी है वो बटाला, गुरदासपुर, अमृतसर के अलावा राजस्थान तक भी जाता है। दोस्तों हम कोरल रेस्टोरेंट के पार्किंग एरिया में एंटर कर चुके हैं। यहाँ पर गाड़ी पार्क करके हम अंदर का व्यू आपको दिखाएँगे। इस एरिया का काफ़ी फेमस रेस्टोरेंट है ये। ये रेस्टोरेंट बिल्कुल रिवर साइड पे है, जो इस रेस्टोरेंट को और खूबसूरत बना देता है। रेस्टोरेंट के अलावा यहाँ पे होटल भी है, बार भी है, कुछ और भी चीज़ें हैं जो इस रेस्टोरेंट को और खूबसूरत बना देती हैं। ये यह है यहाँ की बिग चेयर जिसके ऊपर बैठ के आप फोटोग्राफी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम रेस्टोरेंट के अंदर चलते हैं और अंदर का व्यू कैप्चर करते हैं।
यही है दोस्तों यहाँ का रिवर व्यू। इस व्यू के बिल्कुल साथ में बैठ के आप ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर कर सकते हैं। अब दोस्तों हम यहाँ पे लंच करेंगे और लंच करने के बाद हम आपको बाहर का व्यू बताएंगे बिल्कुल सामने जहाँ आप देख पा रहे हैं। तो दोस्तों हमने लंच कर लिया है, काफ़ी अच्छा खाना था यहाँ का। अब हम आपको और कुछ यहाँ की अट्रैक्टिव जगह पे लेके जाते हैं। तो इसी के साथ दोस्तों हम अपना आज का ये वीडियो ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वो वीडियो को लाइक और कमेंट करना भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।